पाकिस्तान और तहरीके तालिबान के बीच चल रही तकरार किसी से छिपी नहीं है। टीटीपी की ओर से पाकिस्तान के शहरों में लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल हमेशा से उठता आया है कि आखिर पाकिस्तान से टीटीपी चाहता क्या है। पाकिस्तानी सेना पर खूनी हमले कर रहे टीटीपी आतंकी देश के कबायली इलाके फाटा पर अपना कब्जा चाहते हैं। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी ने की है। यही नहीं, पाकिस्तान ने तालिबानी विदेश मंत्री के उस दावे को भी खारिज किया जिसने उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान टीटीपी के साथ डील से अंतिम समय पर पीछे हट गया था। तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने दावा किया था कि अगर पाकिस्तान फाटो को लेकर पीछे नहीं हटता तो साल 2022 में ही टीटीपी के साथ विवाद सुलझ जाता, पाकिस्तान बनेगा दूसरा अफगानिस्तान। वहीं टीटीपी आतंकी पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान जैसा शासन लागू करना चाहते हैं। टीटीपी पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर उसकी जगह पर शरिया कानून से शामिल व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। टीटीपी की इस सोच को लेकर पाकिस्तानी सेना सकते में आ गई है। पाकिस्तानी अधिकारी ने बताया कि टीटीपी को तालिबान का रणनीतिक समर्थन हासिल था। क्या हमें अपने क्षेत्र को इन आतंकियों को सौंप देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। टीटीपी आतंकी बातचीत की आड़ में अपने आप को मजबूत कर रहे थे। सीज फायर होने के बाद भी टीटीपी के आतंकी लगातार पाकिस्तान पर हमले करते रहे। वहीं टीटीपी के इरादों को लेकर पाकिस्तानी सेना डरी हुई है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं तालिबान के साथ मिलकर टीटीपी पाकिस्तान में अपना साम्राज्य ही न खड़ा कर दे। इसी कारण ही पाकिस्तान ने फाटा पर टीटीपी शासन को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।